मैंने हर बार मुकद्दर को बदलते देखा, कितना रोशन है बिलाले हबशी का चेहरा, हमने सूरज के कलेजे को भी जलते देखा। बड़े अच्छे अंदाज में मरतबते इमाम हुसैन आपके समान करने का शरफ हासिल किया है। जनाब साहिब मोहम्मद, इस बड़े अच्छे अंदाज में आपने सुना है, अगर ऐसे ही समान करते रहेंगे तो काबिल मुबारक बात है। और आप देख रहे हैं मेरे पाकी मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर ये तमाम तुलमाए किराम की जलवा गड़ी है। कुछ ही देर के बाद सदी में हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज साहबुल्लाह की आमद आमद होगी। उनके अलावा बुलबुल बाग़े मदीना शहन शाह तरन्नुम जनाबे सैयद हैदर अली अलीगढ़ की आमद आमद है। उनके अलावा आप देख रहे हैं आदि रजा प्रतापगढ़, ये तमाम तर लोग आ चुके हैं। बस जो लोग मेरे अच्छे दोस्त सामने खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये जगह आपके लिए है। अच्छे लोगों से अच्छी बात जब पहली बार कही जाती है तो अच्छे लोग अच्छी बात को कबूल करते हैं। पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे मैं मुआतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, सिमट करके आगे चले, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, आप आ जाए, माशाल्लाह डर नहीं है, सरे मैदान खड़े रहते हैं, डर नहीं है, सरे मैदान खड़े रहते हैं, इस तरह सिर्फ मुसलमान खड़े रहते हैं। कितना ऊंचा है मोहम्मद के गुलामों का मिजाज, कितना ऊंचा है मोहम्मद के गुलामों का मिजाज, हाथ बांधे हुए सुल्तान खड़े रहते हैं, हाथ बांधे हुए सुल्तान खड़े रहते हैं। हम दरसे नबी पुर से बुला बैठे हैं, वरना इस्लाम को दुनिया में हुकूमत के लिए है। हम दरसे नबी दिल से बुला बैठे हैं, वरना इस्लाम को दुनिया में हुकूमत के लिए है। हालात ऐसा पैदा करे ना कोई आंधी ना तूफान भारी पड़ता है, ना कोई आंधी ना तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफर पर इस्लाम भारी पड़ता है। अगर यतीम सहाबा सा दिल में आ जाए तो सौ में मुसलमान भारी पड़ता है, तो सौ में मुसलमान भारी पड़ता है। लेकिन आदि रजा खान को मालूम है कि कौमे शान में वो शान कहाँ बाकी है, कौमे शान में वो शान कहाँ बाकी है, मुर्दा जहनों में नया जान कहाँ बाकी है। यूं तो कहने को करोड़ों है मुसलमान, मगर 313 का ईमान कहाँ बाकी है, 313 का ईमान कहाँ बाकी। ये बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, बस ऐसे ही आप उधर बैठे रहे, अभी भी आप नहीं आएंगे तो लग रहा है अभी हमारी निजामत में कमी है। कसम खुदा की मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इतने दूर से सफर करके आने के बाद आपके प्यारे मोहब्बत में, मैं इतने दूर से आपके प्यारे मोहब्बत में आ गया, आप दो चार कदम नहीं आ सकते हैं। आ जाए माशाल्लाह, पीछे जो लोग बैठे हैं सिमट करके आ जाए, अच्छा माहौल बनाए दे, आ जाए माशाल्लाह, आ जाए। पढ़े लिखे लोग वैसे कब जलसे में आते हैं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में तजर्बा किया है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम आते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो साई नहीं बैठते, इसलिए उनको नॉलेज भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो अच्छे लोग सामने बैठे पर गुजारिश कह रहे हैं, यार रसूलल्लाह ये सरकार की महफिल है, बायज़ीद बुस्तानी बड़े बड़े अल्लाह के वली जब इस दरबार में आते हैं तो अपने दिल को संभाल करके बैठा करते हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तानी एक अल्लाह के ऐसे वली है जो सरकार के महफिल में ऐसे बैठा करते थे जैसे उनके सरों पे परिंदा हो और वो चाहते नहीं कि वो परिंदा होंगे। ये अलग की महफिल है, मुअज्जिन लोग कभी कभी आते हैं, उलमाए किराम की जलवा गड़ी है। जमीन से अर्शे बरी पर तैयार करते हैं, जमीन से अर्शे बरी पर तैयार करते हैं, बराहे रास्त खुदा से कलाम करते हैं। बशर तो है मगर ऐसे बेमिसाल बशर, बशर तो है मगर ऐसे बेमिसाल बशर कि जिनको आके फरिश्ते सलाम करते हैं, कि जिनको आके फरिश्ते सलाम करते हैं। आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, कसम खुदा की मेरे आका इस रास्ते से गुजरते थे, सहाबा खुशबू से जान जाते थे कि मुस्तफा जाने रहमत का गुजर किधर हुआ है। मेरे आका अगर किसी खरे पानी में थूक दे तो वो पानी मीठा हो जाए, मेरे आका अगर अंधेरे में मुस्कुरा दे तो गुमशुदा सुई मिल जाए, और हम और आप मुस्कुरा दे तो मोटा चेला न मिले। इसलिए नबी हमारी तरह कैसे हो सकते हैं, जो नबी को अपनी तरह नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, सब कह रहे हैं यार रसूलल्लाह, यार रसूलल्लाह।
अल्लाह, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, हमको तेरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला, और दीदारे मुस्तफा से शिकम सैर हो गए, दीदारे मुस्तफा से शिकम सैर हो गए, कोई नबी के दौर में भूखा नहीं मिला, कोई नबी के दौर में भूखा नहीं मिला। और बहरे सलाम रौजे से आया तो एक बार, बहरे सलाम रौजे से आया तो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। आप लोग कभी कभी बोलते लाग गए शागिर्द के सामने उस्ताद को कभी कभी बोलना चाहिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं कभी कभी बोला करें आप लोग, ऐसे आप उसी के साथ बैठने का लग रहा है ससुराल में बैठे हैं, कभी कभी आप मुस्कुरा करके कह रहे हैं या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। माशाल्लाह, एक मरतबा बिहार में जलसा हो रहा था, दाहिने वाले मुंह बंद करके सो रहे थे, बाएं वाले मुंह खोल करके सो रहे थे, मौलाना आए थे तकरीर करने के लिए, बोलते हैं अजीबो गरीब माहौल में सारे के सारे लोग सो रहे हैं, तो मजमे से आवाज आती है मौलाना आप तकरीर कीजिए, जो मुंह बंद करके सो रहे हैं वो आईडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो मुंह खोल करके सो रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये पढ़ा लिखा तबका है, एक बार मुस्कुरा करके कह दीजिए या रसूलल्लाह। जैसे एक शख्स के अब्बा का इंतकाल हो गया, उसने 6 महीने रोया, उसके दोस्त ने कहा मेरे अब्बा मरे थे तो हम 10 ही दिन रोए थे, तुम 6 महीने क्यों रोते हो? तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मलक मौत ने मेरे घर का दरवाजा देख लिया है, यानी नंबर बाई नंबर तक जा रहा है। लेकिन कसम खुदा की मैं इस मिजाज का आदमी नहीं हूँ चीख खुला करूँ, इसलिए कि मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जो इलाका पूरे हिंदुस्तान में मुबारक राजगढ़ का इलाका जाना जाता है। बस अच्छे शेर को आप सुनेंगे, बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अभी खामोश है आप, एक बार और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। अब मालूम हो रहा है, अब मालूम हो रहा है कि मैं किस स्कूल में आया हूँ, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, हाफिज वसीम साहब मुल्ला बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सारे चेहरे काबिले मुबारकबाद हैं। एक नाम का शेर पढ़ता हूँ, कसम खुदा की जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सारे लोग नजर जाएंगे, इसलिए कि ये शेर यहाँ की जमीन के लिए लिखा गया होगा। शायर कहता है सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, कहते यार रसूल अल्लाह, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका हो सोच मोहम्मद कैसे है, इनके लिए खुद काबा झुका हो सोच मोहम्मद कैसे है, और चांद से जब तक चाहा खेला जब चाहा तब तोड़ दिया, चांद से जब तक चाहा खेला जब चाहा तब तोड़ दिया, और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। आमद पे सरकार के मेरे सारा आलम रोशन है, आमद पे सरकार के मेरे सारा आलम रोशन है, जिब्रीले अमीन खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है, जिब्रीले अमीन खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है, रब ने तो महबूब कहा है ताहा और यासीन कहा है, सोचना नहीं आपको बोलना है, कह दे या रसूलल्लाह, रब ने तो महबूब कहा है ताहा और यासीन कहा है, रब ने तो महबूब कहा है ताहा और यासीन कहा है, उनके जैसा कोई ना आया सोच मोहम्मद कैसे है, उनके जैसा कोई ना आया सोच मोहम्मद कैसे है। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है, सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तुम सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। जिसके बारे में हबीब हाजी कलकत्तवी ने कहा था बताइए वो सही मजूरी बशर कहाँ होगा, बताइए तो सही मजूरी बशर कहाँ होगा, है पांव अर्श पे जिसका तो सर कहाँ होगा, है पांव अर्श पे जिसका तो सर कहाँ होगा, है पांव अर्श पे जिसका तो सर कहाँ होगा। बड़े ही सलीके के साथ बारगाह रिसाल के नाम में मंसूर खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बाहर से आने वाले मेहमान बुलबुले बाग मदीना जनाब आतिश बाजार प्रताप गढ़ी की बारगाह में गुजारिश करता हूँ, वो आपके हवाले होते हैं, आप इनके हवाले हो जाए। जो लोग उधर पीछे बैठे हैं उनसे मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात एक अच्छा माहौल बनाए, पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह इमानी बनाने के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत
फैजाने हुजूरे ताजुश शरिया फैजाने हुजूरे मुहद्दिसे कबीर नारे तकीम नारे रिसालत।